हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। और आज हम स्पॉटिंग एरर्स का टॉपिक लेकर आए हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस दिया जाता है और उसके चार या पांच हिस्से होते हैं। कुछ परीक्षाओं में चार हिस्से किए जाते हैं, कुछ परीक्षाओं में पाँच हिस्से किए जाते हैं। तो हमें ये है ना, तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है सबसे पहले, फिर हम उस सेंटेंस में देखेंगे एरर क्या है और उसी से रिलेटेड एक पॉइंट को समझेंगे। तो मुद्दा एक सेंटेंस सीखने का नहीं है, मुद्दा है एक पॉइंट सीखने का। उस पॉइंट से फिर वो कोई भी प्रश्न आपको दे सकते हैं, तो वो पॉइंट हम क्लियर करेंगे, हमारा लक्ष्य ये है। तो सेंटेंस आपके सामने लिखा, आप देखिए, द हैव्स शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द हैव्स नॉट, रादर दे शुड ट्राई टू हेल्प देम अर्न देयर लाइवलीहुड। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, हिंदी निकालते क्या होगा। द हैव्स, हैव्स का मीनिंग क्या होता है, अमीर लोग, एक फ्रेज है, अमीर लोगों को हम बोलते द हैव्स। अमीर लोगों को गरीबों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि रादर बल्कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए कि वो अपनी जीविका को कमा सकें। लाइवलीहुड का मीनिंग है जीविका। जैसे देखो इसमें जो एरर है, सबसे पहले वो आप देख लीजिए एरर क्या है। एरर है यहां पर द हैव्स नॉट। अब इसमें क्या एरर है, दरअसल ये जो आप देख रहे हो फ्रेज द हैव्स, द हैव्स का मतलब है द रिच, जो अमीर लोग हैं उसको हम बोलते हैं द हैव्स। लेकिन गरीबों को द हैव्स नॉट नहीं बोलते, इसका जो उल्टा होता वो होता है द हैव नॉट्स, यानी कि नॉट में एस लगेगा, जिसका मीनिंग होता है द पुअर, है ना। अब प्रॉब्लम क्या, हमको पता नहीं था कि नॉट में भी एस आ सकता है भाई, है नॉट तो एक एडवर्ब है, जबकि यह एक शब्द है ना। अगर एक अमीर व्यक्ति है द हैव, एक से ज़्यादा है द हैव्स, एक गरीब व्यक्ति है द हैव नॉट, जिसके पास नहीं है वो हैव नॉट है, और प्लूरल हो जाएगा द हैव नॉट्स। इसलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्या लिखा है द हैव्स नॉट, तो वो एस नॉट पर आएगा ना कि हैव पर। तो इसी तरह कुछ ऐसे नाउंस होते जो हमें पता होने चाहिए, उन नाउंस को समझो, है ना। इन्हें आप कंपाउंड नाउंस कह सकते हो। कंपाउंड नाउंस का मीनिंग होता है ऐसे नाउंस जो एक से ज़्यादा शब्दों से बने हैं, उन्हें कंपाउंड नाउंस कहते हैं। तो कंपाउंड नाउंस में जो प्रश्न आता है अक्सर वो प्लूरल का आता है कि इसका प्लूरल कैसे बनाए। तो पहली बात तो देखो, इसमें जो मुख्य शब्द होता है उसमें एस लगाया जाता है, ऐसा नियम है। जैसे आपने देखा होगा कि सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का जो प्लूरल बनेगा वो सिस्टर इन लॉज नहीं बनता, सिस्टर में एस आएगा, यानी कि हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। तो इसमें से भी एरर देते हैं, परीक्षा में वो लिख देंगे कि माय सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल, तो लॉज नहीं होगा, क्या होगा, सिस्टर्स होगा। इसी तरह आप बना सकते हो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। इसी तरह आप देखोगे एक शब्द होता है पासर बाय, पासर बाय, तो पासर बायज इसका प्लूरल नहीं होता है, इसका प्लूरल होता है पासर्स बाय। इसी तरह एक शब्द होता है लुकर ऑन, तो लुकर ऑन का प्लूरल होता है लुकर्स ऑन। इसी तरह होता है हैंगर ऑन, अभी मैं सबके मीनिंग भी आपको बताऊंगा, तो हैंगर्स ऑन। इस पॉइंट को हमको समझना होगा, है ना। पासर बाय का अर्थ होता राहगीर, और अगर एक से ज्यादा राहगीर हैं जो कहीं जा रहे हैं तो पासर्स बाय। फिर है लुकर ऑन मतलब दर्शक, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, खड़े हो जाते हैं लोग देखने के लिए, मदद करने के लिए, देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लुकर ऑन, और प्लूरल होगा लुकर्स ऑन। इसी तरह हैंगर ऑन होता है, हैंगर ऑन किसको बोलते हैं, जैसे कोई एक पॉलिटिशियन है तो उसके जो आसपास जो चमचे मंडराते रहते हैं, है, तो उनको हम बोलते हैं हैंगर ऑन, उसका प्लूरल है हैंगर्स ऑन,
हैं, ये उनके पिछलग्गा बने रहते हैं, पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह देखो, एक तो ये बात हो गई कि मुख्य शब्द में एस आता है, ये इसका पहला नियम है। इसी तरह अगर दोनों शब्द मुख्य हैं मान लीजिए, तब हम क्या करेंगे, तब हम दोनों शब्दों को प्लूरल बनाते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। जैसे एक शब्द है मान लीजिए मैन सर्वेंट। अब देखो सर्वेंट का मतलब नौकर भी होता है और नौकरानी भी होता है, और जब हम मैन सर्वेंट बोलते हैं तो पुरुष नौकर की बात हो रही है। इसी तरह जब हम बोलते हैं वुमन सर्वेंट तो हम महिला नौकरानी की बात कर रहे हैं। वैसे हमारी हिंदी में तो नौकर और नौकरानी दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो हमें पुरुष महिला लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका जेंडर से कोई संबंध नहीं है ना। तो मैन सर्वेंट यानी पुरुष है, वो वुमन सर्वेंट है मतलब महिला है, यानी ये नौकर है ये नौकरानी है। अब इसमें दोनों शब्द मुख्य शब्द हैं, तो मैन का प्लूरल होता है मैन MEN और सर्वेंट का होता है सर्वेंट्स। तो देखो दोनों का प्लूरल हो गया, दोनों का प्लूरल बनेगा। इसी तरह वुमन का आप जानते क्या होता है विमेन, और सर्वेंट का हो जाएगा सर्वेंट्स। तो जब दोनों मुख्य शब्द हैं तो दोनों को आपको एस लगाना होगा। परंतु एक बात और यहाँ पर आपको समझनी होगी, जैसे एक शब्द है मान लो मैन ईटर, तो मैन ईटर का प्लूरल आपको मिलेगा मैन ईटर्स। देखो MEN नहीं हो रहा, और ये बिल्कुल सही भी है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैन ईटर हम किसको बोल रहे हैं, नर भक्षी को बोल रहे हैं। एक ऐसा जानवर, एक ऐसा शेर है, कोई भालू है जो नरभक्षी हो गया है, यानी वो इंसान को खाने वाला बन गया है। यहाँ मैन का मतलब पुरुष महिला से मतलब नहीं है, इंसान इंसान की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि वो केवल पुरुष को खाएगा, बोले आप महिला आप जाओ, मैं महिलाओं पे हमला नहीं करता, ऐसा नहीं है भैया। उसको जो देखेगा वो मारेगा खाएगा। तो जब आप मैन ईटर की बात करते हो तो यहाँ पर बात ईटर की हो रही है, मैन की नहीं। मैन तो विशेषता बता रहा है, क्योंकि जो भालू है, जो शेर है, या जो भी जानवर नरभक्षी हो गया, वो नरभक्षी हो गया, नर नहीं हो गया, वो पुरुष नहीं है, है ना, वो तो है जानवर ही। इसलिए मैन ईटर का प्लूरल होता है मैन ईटर्स। जबकि यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये जो है ये आदमी भी है और नौकर भी है, तो आदमी नौकर। इसी तरह यह महिला भी है और नौकर भी है, लेकिन ये आदमी नहीं है, ये तो कोई और है ना। तो इसलिए इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वो पहला पॉइंट है जो हमने से सीखा। ये मत सोचो हमने एक सेंटेंस को समझा, हमने नाउन के एक पॉइंट को समझा। चलिए तो अब आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसको पढ़ते हैं। माई फ्रेंड गेव मी टू इन्फॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर मैनी डेज। सबसे पहले इसकी हिंदी निकाल कर समझते हैं कि माई फ्रेंड गेव मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया, क्या दिया, टू इन्फॉर्मेशंस, दो सूचनाएं, आई हैड बीन वेटिंग फॉर मैनी डेज, जिसका मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, है ना। केवल हिंदी निकाल कर हम एरर नहीं पहचान सकते, क्योंकि कभी कभी हिंदी भाषा में स्वभाव अलग होता है और इंग्लिश भाषा का स्वभाव अलग होता है। तो ये स्वभाव का जो अंतर है ये एरर पैदा करता है। अब जैसे हिंदी में कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल कहलाती हैं, है ना। जैसे सूचनाएं हैं, समाचार है ना, या फिर आप देखोगे फर्नीचर, ये ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको हम हिंदी में गिन सकते हैं, और इसलिए जब हम इनको इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं तो हिंदी हमारी बाधा बनती है, क्योंकि हम नेचुरली उसमें तुलना करने लगते हैं। ठीक है, तो आज आप ये जान लीजिए सबसे पहले कि कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे कि काउंटेबल हैं, यानी गिन सकते हैं, लेकिन वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर जो लिखा है टू इन्फॉर्मेशंस, तो इन्फॉर्मेशन दरअसल अनकाउंटेबल है, आप गिन नहीं सकते, और इसलिए यहाँ पर जो एस लगा है वो गलत है। और साथ ही साथ जो गलत है वो है टू, आप यहाँ टू नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई 1 2 3 4 तो तभी आएगा जब आप किसी नाउन को गिन सकते हो, है, लेकिन जब आप गिन नहीं सकते तो कैसे आएगा। तो टू इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर गलत है। अगर इसको आप सही करना चाहते हो, मान लीजिए ये आपका सही आंसर होगा,
यानी आपका एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई प्रश्न आता तो आपका आंसर होगा बी, है ना, ये बी पर आप टिक करोगे। अब जरा समझते इसको सही कैसे कर सकते, इसको सही करने के तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ लगा दीजिए टू पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये पीसेस कैसे आ रहा समझते हैं, और इसके अलावा और भी जो नाउंस हैं इस तरीके के, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी की इन्फॉर्मेशन आए, कुछ और भी आ सकता है, तो ज़रा कुछ इम्पॉर्टेंट नाउंस को हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इंग्लिश में कुछ नाउंस हैं जो अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं और वही हिंदी में काउंटेबल हो जाते हैं। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट नाउन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसका यूज़ भी आपको बताऊँगा। जैसे एक तो हो गया हमारा ये इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपका हो गया एडवाइस, तीसरा आप ले लीजिए फर्नीचर, है ना, फिर आप ले लीजिए न्यूज़, ब्रेड, सोप, इनको आप समझें क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन्हीं में होती है। तो ये सारे नाउंस हम गिन नहीं सकते, लेकिन हिंदी से चेक करोगे तो गिन सकते हैं। जैसे भाई हम कह सकते हैं कि भाई आई वॉन्ट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन, तो वो गलत है, आप कहिए आई वॉन्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, या फिर बोलिए आई वॉन्ट टू गिव यू अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसी तरह एडवाइस, आई वॉन्ट टू गिव यू एन एडवाइस नहीं होता, आई वॉन्ट टू गिव यू एडवाइस या फिर आई वॉन्ट टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। ये पीस क्या होता है, ये पीस होता है वही टुकड़ा वाला जो आप जानते हो, पी आई ई सी ई, लेकिन यहाँ हिंदी में टुकड़ा नहीं आएगा, ये इसको गिनने का तरीका होता है। जैसे हम बोलते हैं ना अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो इसी तरह अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस। फर्नीचर भी नहीं गिन सकते, अगर मान लो किसी ने बोला भाई कि यू हैव मैनी फर्नीचर्स एट होम, तो ये गलत है, यू हैव मच फर्नीचर एट होम। और अगर गिनना है तो बोलो यू हैव मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, आप इसमें भी पीस लगाइए। फिर आते हैं न्यूज़ में, अगर हम बोलें कि आई हैव अ गुड न्यूज़, मेरे पास एक अच्छा समाचार है, आई हैव अ गुड न्यूज़, तो ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों, क्योंकि ए और एन का उपयोग हम केवल काउंटेबल नाउन में करते हैं, अनकाउंटेबल में नहीं। तो इसलिए सही करने का तरीका आप बोलिए आई हैव गुड न्यूज़, या फिर एक और तरीका है आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज़। बिल्कुल इसी तरह होता है ब्रेड, आप ब्रेड नहीं गिन सकते, आप ब्रेड का लोफ गिन सकते हो। लोफ क्या होता है, एक बड़ा टुकड़ा, जैसे ये हो गया, एक टुकड़ा हो गया ये ब्रेड का, इसे हम लोफ कहते हैं, अ लोफ ऑफ ब्रेड। और जब हम इसको स्लाइस करते हैं या ये कटे हुए मिलते हैं हमको, तो ये जो एक जैसे आकार में काटना को क्या बोलते हैं, स्लाइस। तो जो छोटा सा पीस, ये जो हमें पीस मिल जाता है, ये कहलाता है आ स्लाइस, इसे गिन सकते हैं, यानी स्लाइस गिन सकते हैं, लोफ गिन सकते हैं, लेकिन ब्रेड नहीं गिन सकते, क्योंकि ब्रेड तो अलग अलग आकार में पाई जाती है, है ना। फिर आप देखोगे सोप, साबुन भी हम नहीं गिन सकते, साबुन की टिकिया आती भाई, टिकिया गिनते हैं, है ना, अब बार ऑफ सोप होता है, तो आप साबुन भी नहीं गिन सकते, यानी कि सोप्स लिखा है तो गलत है, आ सोप है तो भी गलत है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि अगर हमने ये नाउन याद रखे, ये कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिया, तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा हमसे बनेगा। हमें एरर पता होना चाहिए कि क्या एरर है। और देखिए हर भाषा का स्वभाव अलग अलग होता है, शुरू शुरू में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। जैसे हम सोचेंगे कि भाई समाचार तो गिन सकते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास दो समाचार हैं, एक अच्छा और एक बुरा, पहले कौन सा सुनाऊं, तो अगला व्यक्ति कहता है कि तुम तो बस समाचार सुनाओ, अच्छा है कि बुरा ये मैं बताऊंगा मामा। तो इसीलिए समाचार तो हिंदी में गिन सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो समाचार हम नहीं गिन सकते, क्योंकि समाचार एक लाइन का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा लाइंस का भी हो सकता है, समाचार इतना भी होता है और समाचार इतना भी होता है। ये जो हम आज के न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि 10 मिनट में 50 खबरें या 20 मिनट में 200 खबरें लीजिए, तो ये आप गिन नहीं रहे हो,
एक ही समाचार के 50 टुकड़े कर दिए आपने, तो वो 50 खबरें नहीं हैं, है ना। खबर तो एक ही है देखा जाए तो, लेकिन वो एक खबर की 10 खबर बना देते हैं। तो इसीलिए आप देखिए समाचार गिन नहीं सकते। फर्नीचर को देखो आप, आप चेयर गिन सकते हो, है, टेबल गिन सकते हो, पोडियम गिन सकते हो, अलमीरा गिन सकते हो, बेड गिन सकते हो, लेकिन आप फर्नीचर नहीं गिन सकते क्योंकि सब बराबर नहीं है। तो इस मानसिकता से पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा, है, कि भाई ये नाउन जो हैं ये गिन नहीं सकते। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन माई वे टू द फार्म हाउस आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी फार्म हाउस के रास्ते पर जाते समय मैंने भेड़ों का एक झुंड देखा। फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड, ग्रुप, है ना, और शीप मतलब भेड़। ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी खेत में चरते हुए, ग्रेज का मतलब होता है चरना, है ना। कोई भी नया शब्द सीखो लिख लिया करो। तो ऑन माई वे टू द फार्म हाउस आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हमें देखना है कि इसमें एरर क्या है। यहाँ पर जो एरर है वो है शीप्स, आपका आंसर होगा डी। अब क्यों, इसको समझ लीजिए। इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा रहता है, मतलब प्लूरल में एस नहीं लगाते। ज़्यादातर संज्ञाओं में क्या करते हैं, हम एस लगाते हैं, चेयर का चेयर्स, फैन का फैंस, पेन का पेंस। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिनमें एस नहीं आता, सेम रहते हैं प्लूरल में भी। जैसे एक नाउन तो आप समझ गए, है ना, शीप, शीप का प्लूरल होता है शीप। इसी तरह एक और शब्द देखिए, डियर, डियर का प्लूरल होता है डियर, याद रखो डियर मतलब हिरन, तो इसका एस नहीं आएगा, इसमें डियर्स नहीं होगा। इसी तरह होता है स्वाइन, स्वाइन का प्लूरल होता है स्वाइन, है ना, स्वाइन्स नहीं होता, स्वाइन का अर्थ है सुअर। इसी तरह आप देखोगे फिश, फिश का प्लूरल भी होता है फिश, और अलग अलग प्रजातियों की बात हो तो फिशेस हो सकता कभी कभी, है ना, कभी कभी फिशेस हो सकता, तो फिश का प्लूरल भी फिश। यहाँ तक कि कुछ फिश की प्रजातियाँ होती हैं उनका प्लूरल भी सेम रहता है। इसके अलावा आप देखोगे एक शब्द है ईशू, और ईशू का प्लूरल होता है ईशू, लेकिन यहाँ पर ईशू का मतलब है संतान, और ये अक्सर प्लूरल में ही यूज़ होता है, सिंगुलर तो बहुत कम ही यूज़ होता है, लेकिन ये यूज़ होता है, है ना। और जब ईशू का मतलब होता है मैटर, मामला, तो फिर ईशूज़ आप करोगे, है ना, देयर आर मैनी ईशूज़ इन द कंट्री। लेकिन जब इसका मतलब संतान होगा, है ना, तब इसका प्लूरल नहीं होता। ये एक लीगल टर्म है, इसी तरह से यूज़ होता है, ठीक है। तो याद रखो ईशू का मतलब संतान। संतान को इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, एक और शब्द आपको मिलेगा ऑफस्प्रिंग। इसका मीनिंग भी है संतान। तो ये सारे शब्द एक जैसे रहते हैं। अगर आपको एग्जाम में कभी वो दे देते हैं, मान लो इशूज, है ना, इशू का एक एग्जाम्पल देखते हैं, है? कि मिस्टर शर्मा हैज़ टू इशूज, वन डॉटर एंड वन सन, तो ये गलत हो गया, टू इशू होगा, टू इशूज नहीं, संतान का सेंस आ रहा है। तो सेंटेंस की मीनिंग को हमें समझना होगा, तब हम ये सब निकाल सकते हैं। तो ये नियम है, इनको ज़रूर लिखिए, आपके खुद के नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ्स पोएट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर। यानी वर्ड्सवर्थ्स की जो पोएट्रीज हैं वो प्रभावित होती हैं किससे, नेचर की खूबसूरती और उसका जो लाइवलीनेस है, उसका जो स्फूर्तिपन है, है ना, उसकी जो उमंग है, उसके डिस्क्रिप्शन, उसका जो डीप डिस्क्रिप्शन है उससे प्रभावित होती है। यानी उनकी पोएम में आपको अक्सर नेचर की खूबसूरती, नेचर की जो ताजगी है वो आपको मिलेगी। तो हमें देखना है कि इसमें एरर क्या है। देखिए समझें इस बात को कि पोएम, पोएम का अर्थ होता है कविता, तो पोएम गिन सकते हैं, कविताएं, है ना, यानी पोएम का प्लूरल आपको मिलेगा पोएम्स, जो बिल्कुल सही है। लेकिन पोएट्री,
पोएट्री का प्लूरल अगर आप करते हैं पोएट्रीज तो ये गलत है, क्योंकि पोएट्री अनकाउंटेबल है। आप कविता गिन सकते हो लेकिन कविता का क्षेत्र नहीं गिन सकते। पोएट्री का मतलब होता है द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन विच पोएम्स आर रिटन। तो पोएट्री मतलब होता पद्यांश। आपने जैसे गद्यांश पद्यांश सुना होगा, तो प्रोज होता है गद्यांश और पोएट्री होता है पद्यांश। तो वो फील्ड का नाम, उसको आप नहीं गिन सकते। यानी एरर आपको कहाँ मिल रही है, इस हिस्से में। आपका आंसर होगा ए। इसी तरह आप देखोगे कि हम मशीन गिन सकते हैं, है ना, और भी नाउन हमको देखना है। मशीन गिन सकते हैं तो मशीन का प्लूरल हो जाएगा मशीन्स, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मशीनरी नहीं गिन सकते। मशीनरी का अगर आपको मिलेगा मान लो परीक्षा में मशीनरीज, तो ये अनकाउंटेबल है, इसे नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते भाई? देखो, मशीन का मतलब होता कोई भी एक मशीन, और मशीनरी क्या होता, बहुत सारी मशीन्स का सेटअप। अगर आप एक फैक्ट्री जाएंगे तो वहाँ काटने वाली मशीन है, पैक करने वाली मशीन है, धार करने वाली मशीन है, वगैरह वगैरह। तो उन पूरे मशीन्स का सेटअप जो है वो कहलाता है मशीनरी, उसको हम नहीं गिन सकते। इसी तरह आप देखोगे सीन गिन सकते हैं, सीन यानी दृश्य, तो सीन का आपको प्लूरल मिल जाएगा सीन्स, है ना। और एक बात और आप देखेंगे कि सीन अगर काउंटेबल है तो इसमें आर्टिकल भी आएगा, है ना। जैसे पोएम में आर्टिकल आएगा, आ पोएम, आ पोएट्री नहीं होगा, आ मशीन होगा, आ मशीनरी नहीं होगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। तो सीन का होता है सीन्स, परंतु सीनरी जो है सीनरी का प्लूरल नहीं होता, मतलब वो अनकाउंटेबल है। सीनरीज अगर आप करते हैं तो गलत है, क्योंकि सीनरी का मतलब होता है जब आप कहीं भी जाते हैं, पहाड़ में घूमने गए मान लीजिए, तो वो जो एक बार में जो पूरा दृश्य नज़र आ रहा है आपकी, जहाँ जहाँ नज़र जा रही है, एक बार में जो आप कैप्चर कर पा रहे हो, वो सीनरी कहलाता है। वो उसको आप गिन नहीं सकते, है ना। तो ये वो नाउंस हैं जो आपको काम आएंगे एग्ज़ाम में। चलिए, तो अगला सेंटेंस देखते हैं, लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज का। तो नेक्स्ट है, इट इज़ रियली अ गुड न्यूज़ दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट यू हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर। यानी ये बहुत अच्छी खबर है, वाकई में बहुत अच्छी खबर है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं उस पोस्ट के लिए जिसको आपने हमेशा से चाहा है, हमेशा उसके लिए आप तरसे हो। तो यहाँ पर क्या एरर है, ये आपसे अब बन जाना चाहिए, क्योंकि हम ये नियम पढ़ चुके हैं। और आप में से जो लोग कह पा रहे हैं कि आ गुड न्यूज़ में एरर है, तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर होगा ए। क्योंकि अभी हमने देखा था न्यूज़ अनकाउंटेबल है, न्यूज़ को गिन नहीं सकते, तो ए नहीं आएगा, सही होगा इट इज़ रियली गुड न्यूज़, या फिर आप बोलोगे इट इज़ अ पीस ऑफ गुड न्यूज़, है ना। तो आ नहीं आना चाहिए। न्यूज़ के अलावा फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, है ना, ब्रेड, ये सारे नाउंस हम गिन नहीं सकते, अभी अभी हमने देखे थे। तो वो नियम ज़रूर देखिए, आप बार बार देखिए। अब यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ, कुछ नए शब्द भी सीखो। यहाँ पर एक शब्द आया है लॉन्ग्ड फॉर। ये जो लॉन्ग फॉर होता है, वैसे तो लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लेकिन लॉन्ग फॉर एक वर्ब है, एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू डिज़ायर समथिंग वेरी ईगरली। किसी चीज़ को बहुत ही उत्सुकता से चाहना, है ना, उसके लिए तरसना, तड़पना, उसको हम लॉन्ग फॉर कहते हैं। ये आपको प्रेपोजिशन में भी काम आएगा, लॉन्ग के साथ फॉर आता है। इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं जिनका सबका अर्थ सेम रहता है। जैसे लॉन्ग फॉर बराबर होता है कविट फॉर, आप वही लगा सकते हो, कविट फॉर, है ना। जैसे एवरीबडी इज़ कविटिंग फॉर दिस अवार्ड, हर कोई इस अवार्ड के लिए कविट कर रहा, मतलब चाह रहा है, है ना। या फिर आप क्या, इसी से आप बना सकते हो, इट इज़ द मोस्ट कविटेड अवार्ड, है ना, एक ऐसा अवार्ड जो सब चाहते भाई, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है मान लो। या फिर आप कविट फॉर की जगह लगा सकते हो यर्न फॉर, है ना, या फिर लगा सकते एक फॉर, है ना, ये सब इसके सिनोनिम है, है ना। या फिर आप लगा सकते हो फॉर।
तो इन सब का मतलब क्या है? ये पांच शब्द आप देखेंगे, पांचों का अर्थ सेम है, किसी चीज़ को चाहना, उसके लिए तरसना, तड़पना, और सब में फौर आ रहा है। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम लेते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप कृपया उसको अप्रिशिएट कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।